गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंडिक एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10 एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसमें मैथ्स का चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.3 में एक क्वेश्चन नंबर 4 है उसका एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया था, मैसेज आया था कि भाई ये हमें करवाइए, तो मैं ये सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें दिया है कि एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, उसको हमें जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है उस जिसका हमें डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो वो जो डिविडेंड है मतलब भाज्य है, उसको भाजक से डिवाइड करना होता है। डिवाइड जिससे जिससे हम डिवाइड करेंगे उसे बोलेंगे डिवाइजर। और जो भागफल मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्वोशंट। और जो शेष बचेगा उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर, जो आप पता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी डिविडेंड होता है उसको हम पी ऑफ एक्स नाम देते हैं। जिससे हमें डिवाइड करना है डिवाइजर है उसको हम, या कभी कोई कुछ कुछ बुक्स के अंदर उसके अंदर जी ऑफ एक्स नाम दिया हुआ है, किसी में उसके अंदर नाम दिया एस ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स दिया है तो हमें जी ऑफ एक्स समझना है। जो आंसर ऊपर भागफल मिलता है वो हमारा क्वोशंट आता है। क्वोशंट को पहला अक्षर क्यू से हम लेते हैं क्यू ऑफ एक्स, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको हम आर ऑफ एक्स, उसका फर्स्ट लेटर है आर इसलिए आर ऑफ एक्स। और ये पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं तो इसको पी लेते हैं। तो नॉर्मली होता ही है कि हमारा जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का जो इक्वेशन या फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है कि इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है और उसमें आर ऑफ एक्स प्लस करना है, तब जाके आपको पी ऑफ एक्स मिलता है। तो हमारा एल्गोरिदम कुछ ऐसा है, हाँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसमें ये दोनों का पहले काम होगा तो इसको हम नाम देंगे डिविडेंड जो है यहाँ पे हमारे पास उसको हम पी ऑफ एक्स नाम दिया हुआ है, डिवाइजर को जी ऑफ एक्स जो हमें फाइंड करना है, इनटू मल्टीप्लाई में क्वोशंट जिसको हम एक्स माइनस टू यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस रिमाइंडर जो है वो हमारे पास है नेगेटिव टू एक्स प्लस फोर। लेकिन नॉर्मली पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होना होता है, लेकिन यहाँ पे जी ऑफ एक्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें तो पी ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे मैं नाम दे पहले दूंगा, तो क्यू ऑफ एक्स एंड प्लस आर ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमारे पास नहीं है। क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स माइनस टू एंड आर ऑफ एक्स हमारे पास है नेगेटिव टू एक्स प्लस फोर। नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई है और तो मल्टीप्लाई पूरा क्यू ऑफ एक्स के साथ है, तो यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि पहले इन दोनों का प्लस कर देते हैं बाद में काम शुरू करते हैं, तो यही मिस्टेक होनी पॉसिबल होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, बोडमास आपको पता होगा, बोडमास आपको पता होगा और नहीं भी पता है तो आप याद रख लीजिए। यहाँ पे ही लोग गवर्नमेंट एग्जाम वाले भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोडमास में ही लोग गलती करते हैं। सबसे पहले आपको करना होता है ब्रैकेट, जहाँ पे भी ब्रैकेट है उसको छोड़ना है। तो ब्रैकेट को हम छोड़ेंगे तो यहाँ पे तो कोई ब्रैकेट दिख नहीं रहा, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वो पूरा का पूरा क्यू ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ब्रैकेट दिया हुआ है। और यहाँ पे ब्रैकेट देते तो भी चलता, नहीं देते तो भी चलता, लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को कवर करेंगे, तो ब्रैकेट को यहाँ पे पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समझ लीजिए कि इन दोनों का पूरा एक ब्रैकेट बना देते हैं तो समझ में आएगा। ये दोनों पूरा काम पहले करना है, ये दोनों
और वैसे अगर ये फिर भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और यहाँ पे प्लस भी है, तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा अदर्स, अदर्स में क्या होता है, ये सब जो है उसके अलावा, मतलब जैसे कि पावर होता है, डिग्री होता है और कुछ होता है, तो उसको पहले लेंगे ब्रैकेट के बाद, ये ऑर्डर में काम कर रहे हैं। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड तो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई में पहले करना है, तो उसी हिसाब से हम ब्रैकेट को देते जाएंगे तो हमारा काम होता जाएगा। सबसे पहले इसको ब्रैकेट दे दिया, सॉरी, सबसे पहले इसको ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट देने के बाद मल्टीप्लाई है और कहीं पर मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है। उसके बाद एडिशन, एडिशन में कहाँ पे है, यहाँ पे एक एडिशन दिख रहा है, ये पूरा ब्रैकेट के साथ इसका एडिशन है। तो उसके बाद इस पूरे को ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग सा ब्रैकेट में देता हूँ, और यहाँ पे तो सबका एडिशन है ही, वो पूरा तो एक पॉलिनोमियल है, तो उसको हम बाद में देख लेते हैं। उसके बाद एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता है, कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें करना है अंदर का जो ब्रैकेट है उसको छोड़ना है। वापस यहाँ से हम देखें तो कि अंदर का ब्रैकेट हम छोड़ने जाएंगे तो यहाँ पे तो जियो फैस है नहीं, तो हम काम कैसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि हमें जियो फैस चाहिए, उसी हिसाब से हमें फॉर्मूला को लेना पड़ेगा। तो एक्स पहले ये अंदर वाले छोटे ब्रैकेट को तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं। फिर ये बड़ा ब्रैकेट जो लिया है उस का पूरा एक साइड ही है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, क्यों ऐसे भी एडिशन हो ही रहा है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस टू के साथ, प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ 2x, और प्लस 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 कर देता हूँ 4। अभी इन दोनों को इक्वल टू के इधर ला सकता हूँ मैं, ये दोनों को तो साथ में जोड़ी है, तो उसको लास्ट में देखेंगे हम। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2x है वो इधर आएगा, तो प्लस 2x, और प्लस 4 है उसको इधर लाएंगे तो -4 इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। फिर से हम थोड़ा और मेथड से भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे हम काम करते जा रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल टू, ये दोनों सेम है, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स है उसके साथ एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई है। यहाँ पे अभी आप देखिए कि अगर एक्स माइनस टू यहाँ से मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस देखिए, ये स्टेप पे वापस देखिए पहले। अभी ये जी ऑफ एक्स के साथ ये तो मल्टीप्लाई में है, तो वो तो उसके साथ जोड़ी में लास्ट तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब उसको हमें हटाना है तो वहां पे उल्टा काम करेंगे, पहले एडिशन को दूर करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई को दूर करेंगे, बाद में डिविजन को दूर करेंगे, उस हिसाब से उल्टा काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जोड़ी में है और हमें जी ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं पता और वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी उससे जो जी ऑफ एक्स से ये तो नजदीक रिलेशन बताता है, मल्टीप्लाई का रिलेशन नजदीक का है, एडिशन का रिलेशन दूर का होता है, तो ये मल्टीप्लाई का रिलेशन नजदीक का है उसको बाद में देखेंगे, एडिशन का रिलेशन दूर का है तो उसको हमें दूर करने के लिए उसको हमने हटा दिया, इधर लाया, इधर लाया, तो वो काम ये दोनों को इधर लेके आया तो वहां से तो वो हट गया। अभी ये जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू के साथ रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन तो नजदीक का है, लेकिन अब मुझे तो जी ऑफ एक्स अकेला चाहिए, तो जी ऑफ एक्स चाहिए तो एक्स माइनस टू तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे जी ऑफ एक्स में से एक्स माइनस टू को हटाना है उन दोनों के रिलेशन में से, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा, या तो मैं एक्स माइनस टू को इधर ला के इससे डिवाइड करूं, या तो मैं एक्स माइनस दोनों साइड एक्स माइनस टू डिवाइड करूंगा तो अभी यहाँ पे एक्स माइनस टू कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। अगर मैं दोनों साइड एक्स माइनस टू इक्वल टू के दोनों साइड सेम चीज की जाती है, एक्स माइनस टू से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे तो कट हो गया, तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो जी ऑफ एक्स साइन करने के लिए मुझे इन दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा, और डिवीजन आपको पता है कैसे करना है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है, सॉरी। तो इसका डिवीजन का एक दूसरा मेथड भी है, लेकिन वो हमें अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, इतना आप पॉज करके लिख दीजिए, उसके बाद मैं आगे का यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जगह तो है, चलो ठीक है, बाजू में बता देता हूँ, साइड में, ये रिमाइंडर आप समझ लीजिएगा।
हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, उसको मुझे डिवाइड करना है एक्स माइनस 2 से। तो एक्स माइनस 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर x² मिलेगा, x³ माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 2x². अभी साइन चेंज करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 और 2 तो यहाँ पे आएगा 1x² प्लस 3x, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे माइनस प्लस माइनस x² है तो यहाँ पे x आएगा, और वापस हम इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस x इंटू एक्स x² माइनस माइनस प्लस x इंटू 2x 2x। यहाँ पे हमें वापस साइन को चेंज करना है, ये कट हो गया और यहाँ पे बच गया प्लस 1x, ऊपर से माइनस 2 बचा, एक्स माइनस 2 यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 बचेगा, वापस साइन चेंज करेंगे तो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 0 और 0, तो ये भी एलिमिनेट ये भी एलिमिनेट, और यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा जी ऑफ एक्स आ गया। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, ये जी ऑफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है।